इस तरीके के पेपर बैग फ्रेंड्स हम सभी के घर में मिलते हैं, चाहे हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करें या फिर मार्केट से कुछ खरीद कर लाइए, हमारे पास आ ही जाते हैं। तो इनको हम किस तरीके से रीयूज कर सकते हैं उसके कुछ आइडिया आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, आलू घर में यूज होता है और एक बार ही हम इसको खरीद कर ले आते हैं, लेकिन अगर इसको अच्छे से स्टोर ना करें तो जल्दी से खराब भी हो जाता है। तो जिस भी बास्केट में आप इसको स्टोर करते हैं, नीचे आप कोई ब्राउन पेपर लगाइए और उसके बाद कुछ बॉल बना करके इसमें डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आलू का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सोख लेता है और आलू जल्दी से खराब नहीं होता। इसी तरीके से आप देखिए, महंगे हमारे एप्पल होते हैं, बार स्टोर नहीं करने की जगह नहीं होती फ्रिज में, या फिर ठंडा नहीं खाना होता, तो एप्पल को भी आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे। और जो इस तरीके के हैंडल वाले बैग होते हैं ना, इससे हम छोटे बड़े अपने अकॉर्डिंग जो है बास्केट बना सकते हैं। देखिए, सेंटर से मैंने कट किया इसको और जो ऊपर वाला पार्ट था वो भी इसी के अंदर लगा दिया। आप दोनों पेपरों को चिपकाने के लिए या तो आप फेविकोल का यूज कर सकते हैं या पेपर टेप लगा सकते हैं, या फिर मेरे जैसे आप फटाफट से स्टेपल का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए काफी मजबूत होते हैं और हैंडल के साथ है तो कैरी करना भी आसान होता है। इसके नीचे आप कोई भी कार्डबोर्ड लगाइए, मेरे पास अभी था नहीं तो मैंने एक नोटबुक लगाकर आपको दिखाई है। देखिए, इसमें हल्की फुल्की आप कोई भी देखिए चीज रख सकते हैं और इन्हें आप कबर्ड के अंदर भी आराम से रख सकते हैं। और नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी से पेंटिंग आती है तो यहाँ पर ना आप ब्राउन पेपर जैसे कि कट कर लीजिएगा बैग में से और पेंटिंग बनाइए, और आप चाहे तो इसे हैंग भी कर सकते हैं या फिर किसी कार्डबोर्ड के ऊपर लगाकर आप डिजाइन कर सकते हैं। फोर्थ आइडिया फ्रेंड्स, आप बच्चों की नोटबुक के ऊपर भी इस तरीके के प्लेन जो पेपर होते हैं वो कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा जरूर से मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा।